तो क्या आपको लगता है कि आपके पास भी है दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन? तो अगर जो आपको लगता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ब्रेन है, अगर हाँ, तो आज हमारे पास आपके लिए कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन है जिनके जवाब देकर आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि आपने क्या नोटिस किया। क्या आपने नोटिस किया कि इस इमेज में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों आपको बता दें कि इस इमेज में 6 गर्ल्स हैं और लेकिन यहाँ पर लेग्स के केवल 5 पेयर हैं। क्या इसमें से किसी गर्ल के पैर नहीं हैं? पर आपको बता दें कि इन सभी लड़कियों के पैर हैं। अब यदि आप अचंभों में हैं तो आपको बता दें कि बाईं तरफ की तीसरी गर्ल ने अपने पैर को मोड़ कर रखा हुआ है, जिसमें उसके पैर नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद आपने ध्यान से देख लिया होगा और शायद आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो अगर जो आपने सही उत्तर दे दिया है तो अभी भी हमारे पास आपके लिए एक और ऑप्टिकल इल्यूजन बचा हुआ है। तो दोस्तों अगले इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए और इस इमेज को देखने के बाद हमें बताइए कि आपने सबसे पहले क्या देखा। Your time is up. The face of the human. यदि आपने देखा हुआ है एक बड़े आदमी का चेहरा, तो इसका मतलब है कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल लेते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको हिला नहीं सकती है। नंबर दो, अगर जो आपने देखा है एक वुमेन को, जिसका मतलब है कि आप नेचुरली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं और अपने निर्णयों को बहुत ही तेज़ी से लेते हैं। तो दोस्तों अगर जो आपने देखा है नंबर 3 पर एक टेबल को, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को सुनने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। सो गाइस, आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर कैसे ऑप्टिकल इल्यूजन आपके दिमाग को भ्रम में डाल देते हैं। तो दोस्तों अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जो वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया है तो चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले वाले वीडियो में हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।